दोस्तों मेरे पास है Realme के दो फोन। फर्स्ट फोन है ये है Realme का 8S जो कि हाल ही में अभी लॉन्च हुआ है। उसके अगेंस्ट में आज होने वाला है Realme का Narzo 20 जो कि मेरा बहुत फेवरेट है और परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी है। देखेंगे आज की वीडियो में ये दोनों फोन्स में से कौन करेगा सबसे बेस्ट परफॉर्म। आई नो प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट है बट Narzo की परफॉर्मेंस मैं बहुत ज्यादा यूज कर चुका हूँ। इस फोन को मेरे को लिटरली काफी तेज लगती है और फोन से, एंड इसलिए मैंने इसको Realme 8S प्लस Narzo के साथ कंपेयर किया है। बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में। सीरियसली दोनों फोन्स को लेना भी चाहते हो अगर Realme 8S लेने की सोच रहे हो तो आप सबको पूरा कंपैरिजन दिख जाएगा, स्पीड टेस्ट पूरा पता चल जाएगा कि क्या आप सबको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सब कुछ बताने वाला हूं आज की वीडियो में। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हैं टेकटॉक चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है एक छोटी सी, सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है। हाँ मेरे को बहुत सारे बंदे पता है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल नहीं आ रहे प्लीज दबा लो, उससे आप सबको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाएगी। और क्या बताऊं उसमें से कुछ ऐसी ऐसी वीडियोस निकल जाए जो आपके बहुत काम की हो। एनीवेज और हाँ वीडियो को लाइक कर देना और अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा और इसी पावर और एनर्जी के साथ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जल्दी से कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, सो सबसे पहले मैं यहां पे Realme 8S का बताना चाहूंगा। एंड सबसे पहले प्रोसेसर की बात करूं तो Dimensity का 810 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि इस प्राइस रेंज में काफी ज्यादा एक बेस्ट वैल्यू फोन है। डिस्प्ले की बात करूं 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। बैटरी 5000mAh की देखने को मिलती है। कैमरे की बात करूं ट्रिपल कैमरा सेटअप है 64:2:2। एंड वेट की बात करूं तो सीरियसली बहुत हल्का लगता है, नंबर्स में बताऊं तो 191 ग्राम का है और हाथ में एकदम पकड़ने में लाइट फील होता है। ओके बात करूं अगर यहां पे मैं Realme Narzo 20 की तो सबसे पहले प्रोसेसर की बात करूं तो यहां पे Helio का G85 प्रोसेसर है जो कि एक बजट टॉप लेवल प्रोसेसर माना जाता है स्पेशली इन गेमिंग्स के लिए। डिस्प्ले की बात करूं 6.52 इंच की एक HD प्लस डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट। बैटरी की बात करूं तो यहां पे 6000mAh की एक जबरदस्त बैटरी देखने को मिलती है जो कि मेरे को बहुत ज्यादा काम की लगती है और एज अ मतलब मेरे को बहुत ज्यादा फोन का यूज होता है तो इसके लिए बैटरी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ बात करूं कैमरा सेटअप की तो क्वाड कोर सेटअप देखने को मिलता है, 48:8:2:2 देखने को मिलता है। वेट की बात करूं तो हां बैटरी के वजह से यहां पे वेट आप सबको थोड़ा ज्यादा है, अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो 204 ग्राम का है। एंड सीरियसली हां फोन अगर हाथ में पकड़ते हो 4-4 घंटे तक अपने किसी से भी बात करते हो तो फील होता है कि हाथ में आपने कुछ पकड़ा है। एनीवेज और अब यहां पे मैं अगर दोनों फोन्स की अंतदो बेंचमार्क्स की बात करूं तो यहां पे Realme का जो बेंचमार्क्स मैंने निकाल के देखा था ऑलरेडी निकाल चुका हूं तो यहां पे आया 37,52,091 जो कि यार बहुत तगड़ा है, मतलब क्या ही बोलूं मैं। और अगेंस्ट में अगर मैं Narzo 20 का बताऊं तो यहां पे 16,00,543 निकल के आता है जो कि इसके एवरेज में आधा भी नहीं है, फिर भी आपको पता लग जाएगा कि कौन है एक्चुअली में असली विनर, सबसे तेज कौन किस चीज में क्या परफॉर्म करता है। इसके लिए अब यहां पे हम सीधा चलेंगे सीधे हमारे स्पीड टेस्ट पे, वहां पे सारी चीजें मैंने अच्छे से कंक्लूजन निकाल दिया है कि कौन है आपका विजेता, पिक कर लेना बड़े आराम से। अब चलते हैं अपने सीधे स्पीड टेस्ट की तरफ। यहां पे कोई भी नो टास्क में कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं है, सबसे पहले यहां पे रीस्टार्ट में देखेंगे कि कौन सबसे पहले ओपन करता है। और रीस्टार्ट के लिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप सबको जल्दी से जल्दी पता चल सके। और फर्स्टली यहां पे मैं देखूं तो Realme 8 काफ़ी ज़्यादा आगे था, सब सारी चीज़ें स्क्रीन ओपन की और तुरंत Realme 8 ओपन हो भी गया, ऑन हुआ था। देन थोड़ी देर बाद Realme Narzo 20 भी ओपन हो गया था। एंड देख सकते हैं अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ टेस्ट, स्पीड टेस्ट। और सबसे पहले दिखा दूँ नो टास्क नो रिसेंट टास्क में कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, सबसे पहले हम यहाँ पे Instagram ओपन करेंगे और Instagram में सबसे पहले Realme 8 विनर मैंने देखा, काफ़ी तेज ओपन हुआ बहुत इंस्टेंटली, Narzo को बड़ा टाइम भी लग गया। मूव करते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ जो था Disney Hotstar। सो Disney Hotstar में ऑफकोर्स Realme 8 ज़्यादा आगे था बट Narzo भी थोड़ा सा हल्का सा पीछे था, ज़्यादा पीछे नहीं बोलूँ। मूव करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जो था प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में मैं बोल सकता हूँ दोनों ही बोथ फोन्स काफ़ी सेम टाइम पे ओपन किए थे। नेक्स्ट एप्लीकेशन स्नैपचैट, स्नैपचैट में Realme 8 हल्का आगे था। नेक्स्ट एप्लीकेशन है फेसबुक, फेसबुक पे ओपन किया तो ऑफकोर्स Realme 8 काफ़ी तेज ओपन किया। करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ कैनाइन मास्ट, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ Realme 8 काफ़ी ज़्यादा तेज था, मतलब पूरी स्क्रीन आ चुकी थी। मूव करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जो कि है ट्विटर, ट्विटर में बोल सकता हूँ Realme 8 काफ़ी तेज था, सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से ओपन किया। मूव करते हैं अब अगली एप्लीकेशन की तरफ जो कि है Amazon, Amazon पे क्लिक किया तो मैंने देखा ऑफकोर्स Realme 8 ज़्यादा तेज ओपन हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जो कि है
फ्लिपकार्ट, एंड फ्लिपकार्ट में भी मैंने देखा रियलमी 8 काफी तेज था। प्राइम वीडियो की बात करूँ तो यहाँ पे रियलमी 8 फिर से अगेन तेज था। नार्जो को थोड़ा सा नेटवर्क में भी प्रॉब्लम दिखी और थोड़ा सा लैग और डिले सा फील हो रहा था मेरे को। मूव करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जो कि है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स को ओपन किया तो मैं बोल सकता हूँ रियलमी 8 अगेन से विनर था, एंड नार्जो को वही हल्का सा 1-2 सेकंड का टाइम लग जा रहा था। यूट्यूब म्यूजिक और ये देखा मैंने, रियलमी 8 काफी तेज था। मूव करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जो कि है यूट्यूब, एंड यूट्यूब की सीरियसली यार रियलमी 8 इंस्टेंटली ओपन कर दिया, नार्जो को थोड़ा सा टाइम लग गया। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जो कि है क्रोम। क्रोम को मैंने देखा रियलमी 8 और नार्जो 20 दोनों ही सेम टाइम पे ओपन की। स्पॉटिफाई की बात करूँ तो यहाँ रियलमी 8 काफी ज्यादा तेज निकला। मूव करते हैं गेम्स की तरफ, टेम्पल रन मैंने ओपन की थी, एंड टेम्पल रन को बताऊँ तो रियलमी 8 काफी तेज ओपन कर दिया और नार्जो भी ठीक ठाक ओपन किया था, बट मैं हल्का सा स्लाइड बोलूंगा रियलमी 8 काफी तेज था। मूव करते हैं सवे सफर की तरफ, सवे सफर में यहाँ पे हाँ रियलमी 8 काफी तेज था, मतलब लोडिंग स्क्रीन ओपन हुई और आपके सामने शो कर दिया। मूव करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जो कि है अमंगस। अमंगस को मैंने ट्राई किया एंड डेफिनेटली मैं बोलूंगा रियलमी 8 काफी तेज था, बट इन दैट टाइम रियलमी नार्जो 20 भी काफी तेज था। एकदम हल्का सा स्लाइड सा मेरे को डिले लगा, बट दोनों ही फोन्स काफी तेज किए। मूव करते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ जो कि है कॉल ऑफ ड्यूटी, एंड कॉल ऑफ ड्यूटी को मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आप सबको प्रॉब्लम ना हो, एंड रियलमी 8 सीधा बोल सकता हूँ बहुत तेज था, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। सबसे पहले स्क्रीन ओपन किया BGMI की तरफ, तो BGMI में मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, एंड अगर मैं बताऊं तो रियलमी 8 ऑफ कोर्स फिर से आगे था, वही नार्जो 20 को थोड़ा टाइम लग गया। बात करें अब थोड़ी सी रैम मैनेजमेंट टेस्ट की, तो देखते हैं कौन कौन एप्लीकेशन रखे हैं। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम को रियलमी 8 ने रख रखा था अपने बैकग्राउंड में, नार्जो को नहीं रखा था। प्ले स्टोर की बात करूँ रियलमी 8 ने रखा हुआ था, नार्जो ने नहीं रखा था। स्नैपचैट की बात करूँ दोनों ने अपने रैम में रखा हुआ था। बात करूँ फेसबुक की, फेसबुक में दोनों ने ही अपने रैम में रखा हुआ था। बात करूँ कैनाइन मास्टर की, दोनों ने ही रखा हुआ था, दोनों ही फोन्स में ओपन था बैकग्राउंड में। बात करूँ ट्विटर की, दोनों ही फोन्स में ऑलरेडी ओपन था। और बात करूँ अमेजोन की, तो अमेजोन में गाइज दोनों ही फोन्स बार बार रैम में रखे, मतलब रीस्टार्ट हुआ। गेम की बात करूँ तो कॉल ऑफ ड्यूटी हाँ रियलमी 8 और रियलमी नार्जो दोनों को ही टाइम लगा, दोनों ने फिर से गेम को स्टार्ट किया जैसे रीस्टार्ट हुआ। सो गाइज ये थी कुछ कंपैरिजन, एक तरफ रियलमी 8 और एक तरफ नार्जो 20। सो गाइज फाइनली आप सबको स्पीड टेस्ट में सारी चीजें तो क्लियर हो ही गई होगी। अब देखो ये ना प्राइस रेंज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप सबका प्राइस रेंज एकदम टाइट है तो डेफिनेटली आप सब नार्जो के सेगमेंट्स में जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ रियलमी 8 तो ये थोड़ा सा फ्लैगशिप लेवल की तरफ चले जाता है जिस प्राइस रेंज में ये आता है, और इसके वजह से जो विनर है आज का वो सिंपली रियलमी 8S था, क्योंकि यार इसका प्राइस भी ज़्यादा है, इसमें परफॉर्मेंस भी लेटेस्ट वाला है, 5G फ़ोन है, तो इसके वजह से ये कुछ कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके वजह से ये फ़ोन एक कदम सबसे ही आगे था। और जिसको भी लेना होगा अगर रियलमी 8S तो डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो, काफी अच्छा फोन है, एंड इनफैक्ट मैं भी इसको यूज करता हूँ नॉर्मल डे टू डे टास्क में। होपफुली आप सबको मेरी ये वाली वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना यार, कमेंट करके बताना है कैसी लगी आज की वीडियो, और हम मिलते हैं ऐसे ही अनदर एक्साइटेड वीडियो के साथ, और हम मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में। ओके बाय।